हमें तो ये नेता कम अभिनेता ज्यादा लग रहे। जी अगर कहीं जा रहे आप किसने रोका है? ये ढोल नगाड़े बजाने की जरूरत क्या है? दूसरा सवाल आपका था कि आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी ने कभी मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं की। आज जो ये गोरे गोरे लाल गाल दिख रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है, नहीं तो कहीं और फुटपाथ में पड़े होते सारे लोग। एक टिप्पणी, अब मुन्ना खान साहब ने जो बात कही वो उसमें एक चीज आपत्तिजनक है काफी। किसी भी पार्टी को, कांग्रेस को भी नहीं और किसी भी पार्टी को, ऐसा दंभपूर्ण वक्तव्य नहीं जारी करना चाहिए। इतनी हैसियत, तो मैं अवकाश शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, काफी गंदा लगता मुझे, मैं हैसियत बोल दूंगा, इतनी बड़ी हैसियत तो किसी उगल मुगल आए उनकी नहीं हुई। कांग्रेस कह रही है कि हम नहीं शासन करते तो फुटपाथ पे पड़ा होता देश। आप खुदा हो, आप भगवान हो, अरे देश ने आपको जीवन दिया। जवाहरलाल को देश ने प्रधानमंत्री बनाया कि जवाहरलाल ने देश पैदा किया? इसी भाषा ने कांग्रेस को 44 सीटों पर खड़ा कर दिया। इंदिरा गांधी ने देश पैदा किया कि देश ने इंदिरा गांधी पैदा की? दंभ देखिए कितना विकट है, हिमालय से भी बड़ा दंभ कि हम नहीं होते तो कहीं फुटपाथ पर पड़ा होता। गजब कर रहे हो भाई, ये किसने सिखा दिया आपको? ऐसी भाषा तो कभी गांधी नहीं बोल सकते थे। कोई माइका लाल इतना बड़ा हो नहीं सकता जिस जो जो पैदा ना होता तो देश फुटपाथ पर खड़ा हो जाता। गजब बात है भाई, इसीलिए कांग्रेस की अवस्था है। मैं कई दिन से खोज रहा था कि अवस्था इसी की हुई, आज उसका उत्तर मिल गया। कौन वोट देगा आपको? कोई वोट नहीं देगा अगर आप ऐसी भाषा बोलोगे लगातार। आप भाजपा से लड़ेंगे? आप देश से लड़ेंगे? इतने बड़े आदमी हैं क्या? भाजपा से लड़िए ना, आप देश का भाग्य हैं क्या? अरे महाराज, आप वर्षों से सत्ता से बाहर हो, देश से, देश रोटी नहीं खा रहा, और आगे भी बाहर रहोगे तो देश भूखा मर जाएगा क्या? क्या बात, ऐसी भाषा नहीं बोलो भाई। भाजपा से लड़ो, अच्छी बात है, दो दो हाथ करो, लेकिन देश के लिए ऐसा मत बोलिए, ये खराब चीज। नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी को पता है कि आज का जो दिन है वो हमारे और आप सभी सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज के दिन मोदी जी मथुरा पहुंचे हुए हैं और आज उसका लिए या दर्शन करने के लिए या जो भी करने के लिए वहां पहुंचे हैं। लेकिन इस चीज को देख करके जो विपक्ष में बैठे सरकार है उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। इसी बहस को आज सुनने के लिए हम TV9 उत्तर प्रदेश के चैनल पर अमिताभ अग्निहोत्री जो वहाँ एडिटर हैं और साथ में BJP प्रवक्ता हैं जो राजनीतिक विश्लेषण करते हैं अरविंद सिंह, और BJP प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय और मुन्ना खान जो है कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और आचार्य विक्रमादित्य जो है हिंदू धर्म गुरु है और फाजिल खान इस्लामिक स्कॉलर है। इनके बीच में एक जोरदार बहस आज देखने को मिली है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आचार्य जी, आपसे बात शुरू करूंगा। भारत का कोई प्रधानमंत्री कृष्ण जन्म स्थान पर नहीं गया कभी, मथुरा तो गए, चुनाव प्रचार में जाना पड़ता है, और गए तो बांके बिहारी भी हो आए, ये भी ठीक है, कई प्रधानमंत्री बांके बिहारी के दर्शन कर आए। लेकिन इस बात से सप्रयास बचा गया कि हमारे पांव जन्म स्थान की ओर न मुड़े, वहां से परहेज रहे। अब ये जो फैसला हुआ है कि प्रधानमंत्री ने निर्णय किया कि हम जाएंगे कृष्ण जन्म स्थान, अब ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है। राजस्थान में वोट होना है 25 को, एक विषय वो तो है ही, 24 के लोकसभा चुनाव में बहुत समय नहीं, और अयोध्या में रामलला का विग्रह विराजित होने में भी 60 दिन का समय बच रहा है। कुल कैसे देखते हैं आप इस घटना को आचार्य जी? देखिए अभी अमिताभ जी, जिस प्रकार से भारत के गौरव का निर्माण का वेला आई है और उसके निर्माण के लिए पदार्पण आरंभ हो गया, मैं तो इस प्रकार से देखता हूँ। भारत की विडंबना यह रही, आजादी के बाद हमने अपने इतिहास को इतिहास नहीं माना। हमारे यहाँ के नेता कर्णधार जो भी रहे, उन लोगों ने हमारे इतिहास को माइथोलॉजी मान लिया, और इसकी विडंबना यही रही। आज अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर वेटिकन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती,
पूरे विश्व के जितने भी ईसाई देश के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं वो वेटिकन जाते हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। लेकिन भारत, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर सनातनी परंपरा में जन्म लिया व्यक्ति, यहाँ पर हमने आज तक ही देखा कि उसको धर्मस्थल में, भारतीय हिंदू धर्मस्थल में जाने पर किस प्रकार से परहेज है। ये भारत का गौरव है, जब अपनी संस्कृति में किसी को विश्वास ना हो तो उस संस्कृति का पतन निश्चित हो जाता है, इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। यही हुआ पिछले 70-80 सालों में इस देश के अंदर। अब हमारे संस्कृति में पुनर्जीर्णोद्धार करने के लिए जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो काशी का हो, चाहे वो अयोध्या का हो, चाहे वो उज्जैन का हो, समस्त रूप में अब अयोध्या की, अब मथुरा की बारी है और उसके लिए पदार्पण हो रहा है, तो अब संपूर्ण रूप से वहां का भी जीर्णोद्धार होने की बारी आ गई है। संपूर्ण हिंदू संस्कृति, हिंदू मानस, जितना भी जनमानस है, उनको इसका विश्वास हो गया है, वो पदार्पण वहां हो रहा है। और मोदी जहां कदम रख देते हैं वहां वो कार्य संपादित होने में देर नहीं लगती, ये हमारा विश्वास है। ये मेरा प्रसन्नता है, मन की प्रसन्नता है कि जिससे मेरी पीढ़ियां जो चाहती थी वो आज हो रहा है, बड़ा सुंदर जी। बिल्कुल ठीक बात आचार्य जी। मैं फजील अहमद साहब के पास चलूंगा, उन्होंने एक जो अंत में टिप्पणी की आचार्य जी ने, उस पर मुझे एक बात याद आई। नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि जिस चीज, जहां मैं भूमि पूजन करता हूं या शिलान्यास करता हूं, मैं उसका लोकार्पण भी मैं ही करता हूं, ये जान लीजिए। ये उन्होंने किसी संदर्भ में कहा था, लेकिन अयोध्या पर वो चीज दिख रही है। फजील अहमद साहब, आचार्य जी कह रहे हैं कि मथुरा के पुनरुद्धार का समय आ गया है, इसलिए ये दृश्य उपस्थित हो रहा है। कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री की कृष्ण जन्मभूमि पर यात्रा? ये यात्रा वैसे तो सामान्य यात्रा होनी चाहिए थी, जैसा उदाहरण था कि वेटिकन में लोग जाते हैं, कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन भारत के प्रधानमंत्रियों ने दबा अपने को बलपूर्वक अलग रखा कृष्ण जन्म स्थान से, इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है। फजील अहमद जी, आपका कुछ म्यूट अनम्यूट का चक्कर है भैया, आवाज नहीं आ रही। देखिए जी, हाँ आ रही है जी 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 जी। देखिए, देश दो दिन से पनौती के चक्कर में पड़ा है, पूरा देश बहस कर रहा है। कल आपके साथ भी डिबेट पर बहस हुई कि पनौती क्या है। अब देश पनौती से मुक्त हो तब ना कोई बड़ा काम करे, अब तो देश फंस गया है पनौती के चक्कर में जी। हम उस पर बहस नहीं करना चाहते कौन क्या है। देखिए, ये ब्राह्मण धर्म के प्रधानमंत्री हैं, उन लोगों ने बनाया है इनको, ये ब्राह्मण धर्म का तुष्टिकरण कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनसे जुड़े हुए चीजों पर अपना समय लगा रहे, पैसा लगा रहे, पूरा नजरिया उनका अपना है, तो उसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, एक नहीं पूरा ठीक में क्या जो चीज जहां जैसे है वैसे है। कोई मंदिर तो मस्जिद तोड़ के थोड़ी वो बनाने जा रहे कॉरिडोर, या जो बनारस में बना है तो वो कोई कॉरिडोर मस्जिद तोड़ के थोड़ी बना है। ये जिस तरह से हमारा सब देश का संविधान है, सर्वधर्म संभव, मस्जिद मंदिर को छोड़ करके, विवादों को, चीजों को छोड़ करके, विवादों को हल करके अगर कोई काम आप करते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब कोई बात होती है तो मुसलमानों को सुनाया जाता है कि हम यहाँ जा रहे हैं। ठीक है फजील अहमद साहब, ठीक है ठीक। बाबा साहब अभी रुकना होगा, मैं अरविंद सिंह के पास आऊंगा, फिर राजनीति के पास जाऊंगा। ठीक, अभी रुकना, अंबेडकर तक नहीं जाओ आज, अंबेडकर का कहाँ विषय, अंबेडकर का विषय नहीं अभी। अरे रुको भाई, रोज अंबेडकर को परेशान करते हो आप लोग भी 24 घंटे, कभी कभी करो, बड़े लोगों को रोज कुंडी नहीं खटखटानी चाहिए उनकी, कभी कभी खटखटाओ। अभी रुक जाइए फजील अहमद, अभी रुक जाइए, मैं अरविंद सिंह के पास चलूंगा। लेकिन एक बात जो है उस पर मुझे आपत्ति है, जो फजील भाई ने कही कि वो ब्राह्मणवाद के प्रधानमंत्री हैं, ये भाषा ठीक नहीं, ये बात ठीक नहीं। और उनका ब्राह्मणों के काम करेंगे। भारत ने अपने लोक जीवन के लिए दो सबसे बड़े नायक चुने, इसलिए मैं कहता हूँ लिखना पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना समस्या पैदा रह होती है। जब तक आप प्रज्ञावान नहीं होंगे आप चीज़ें नहीं समझ पाएंगे, फिर व्हाट्सएप से चलोगे। दो सबसे बड़े आइकॉन तैयार किए, कृष्ण और राम। हालांकि मैं उनकी कुछ जाति नहीं मानता, लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो बता रहे ब्राह्मणवाद है, उनके लिए मैं बता दूं, राम को क्षत्रिय कहा गया और कृष्ण को यदुवंशी, ब्राह्मण कोई नहीं। इसलिए इस तरह के तर्क मत दीजिए, ये सब तर्क ठीक नहीं, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। अरविंद जी, प्रधानमंत्री की जो फजील अहमद कह रहे हैं उनकी बात इसलिए यहाँ पर खड़ी नहीं उतर रही, क्योंकि वहाँ कॉरिडोर का मसला नहीं है प्रधानमंत्री की यात्रा का, ना वहाँ के वृंदावन तो सभी जाते रहे,
मथुरा भी प्रधानमंत्री गए, लेकिन जन्म स्थान पर किसी प्रधानमंत्री ने डर के मारे पांव नहीं रखा। अब वो डर क्या था ये भी पता ही सबको, ऐसा तो था नहीं वहां करंट था, या बंदर कूद पड़ते थे ऊपर से प्रधानमंत्री को और बंदर घायल कर देंगे, ऐसा भी नहीं था। एक ही करंट था जिसके भय से प्रधानमंत्री नहीं गए वहां। उस करंट को का तार काटकर मोदी जा रहे हैं कल, इसलिए बहस कर रहे हैं। अरविंद जी देखिए, प्रधानमंत्री मथुरा जा रहे हैं, मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। बाकी प्रधानमंत्रियों को भी वहां जाना चाहिए था। अभी मैं फजील भाई को सुन रहा था, हम जब नेशनल मीडिया पे डिबेट करते हैं तो शब्दों का प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ भारत के संवैधानिक व्यवस्था में चुने हुए प्रधानमंत्री को ब्राह्मण धर्म का प्रधानमंत्री कहना, ये भारत के लोकतंत्र का भी अपमान है, संविधान का भी अपमान है, और एक रूप से बाबा साहब का भी अपमान है। इसीलिए बोलते समय क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं सोचना और समझना चाहिए। मैं दो तीन बिंदुओं में अमिताभ जी अपनी बात पूरी करूँगा। एक, मथुरा क्या है, मथुरा क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? मथुरा वो जन्मभूमि है जिसने कृष्ण को दिया, और कृष्ण भारत के वो महापुरुष हैं जो जिन्होंने गीता जैसा ज्ञान दिया जो विश्व में केवल भारत के लिए ही नहीं तो पूरे मानवता के लिए गर्व का विषय है। जितना भी उस पर गर्व करे पूरा मानवता कम है। और इसके बारे में दो मैं कोट करूंगा, आइंस्टीन कहते हैं, वो कोई हिंदू नहीं थे, वो यहूदी थे, वो कहते हैं कि जब मैं गीता पढ़ा तब मुझे ये समझ में आया कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई होगी, बाकी बातें बेकार में है। एक स्टीफन आर कवि हैं, उसका नाम सुना होगा आपने, उनकी एक विश्व प्रसिद्ध बुक है, वेस्ट सेलर में आती है, सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उनसे इंटरव्यू में जब पूछा गया कि ये पुस्तक कैसे आपने लिखी, तो उन्होंने कहा गीता से प्रेरित होकर लिखी। ये जो गीता है भारत के लिए गर्व का विषय है, संपूर्ण मानवता के लिए गर्व का विषय है। उसको देने वाला व्यक्ति मथुरा में पैदा हुआ, भारत का एक महापुरुष, भारत का पूर्वज, उनके जन्मभूमि पे सबको जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं गए इस पे भी दो लाइन में मैं बोलूँगा। 1947 में देश भले ही राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो गया, लेकिन सांस्कृतिक और मानसिक रूप से स्वतंत्रता मिलनी बाकी थी। पटेल के नेतृत्व में प्रयास हुआ, लेकिन नेहरू को पसंद नहीं था। नेहरू जी कहते भी थे कि मैं हिंदू एक्सीडेंटल हूँ, बाई बर्थ हूँ, शिक्षा दीक्षा से क्रिश्चियन हूँ और संस्कारों से मैं मुस्लिम हूँ। ये उनका स्टेटमेंट है, मैं अपनी तरफ से नहीं जोड़ा हूँ। इसलिए हिंदू धर्म स्थानों तक जाना सांप्रदायिकता के पोषण का विषय माना जाता था। मस्जिदों में जाना, इफ्तार पार्टी में जाना, ये इसको धर्म निरपेक्षता का प्रमाण माना जाता था। ठीक है, इसलिए हमारे लोग बचते थे। मुझे लगता है कि भारत के जो महापुरुष हैं उनको धार्मिक चश्मे से हटके देखना चाहिए। वो सब कृष्ण सबके पूर्वज हैं, हमारे भी पूर्वज हैं, और यहाँ जो हमारे भाई फजील अहमद बैठे हैं उनके भी पूर्वज हैं, सबके पूर्वज हैं। उनके जन्मभूमि पर जो भी जाता है उसका अभिनंदन होना चाहिए, ये बहुत खुशी की बात। खान साहब, भारत का कोई गांधी परिवार के तीन प्रधानमंत्री हुए, पंडित जी, इंदिरा जी, राजीव जी, कोई अयोध्या नहीं गया, ठीक, कृष्ण जन्मभूमि नहीं गए, ठीक। कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, बीपी सिंह भी नहीं गए, चरण सिंह भी नहीं गए, दूसरे जो हुए थर्ड फोर्स वाले, ठीक। और अयोध्या तो आज तक नहीं गए, पहले तो ये था चलो मुकदमा चल रहा, जब मुकदमा छोड़ मंदिर बन गया तब भी नहीं गया कोई। देवा शरीफ जा सकते हैं, अजमेर शरीफ जा सकते हैं, लेकिन अयोध्या से कोई तो डर है जो उनको रोकता है। खैर वो विषय नहीं, यही डर मथुरा में था कृष्ण जन्म स्थान को लेकर, नहीं गया कोई प्रधानमंत्री, कोई बड़ा नेता। अब कल प्रधानमंत्री जा रहे हैं, कांग्रेस कैसे देख रही है इस घटना को? नहीं, प्रधानमंत्री जा रहे, पहले तो ये इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए कि प्रधानमंत्री को जाने से किसने रोका है, और प्रधानमंत्री जो ताम झाम कैमरा और मेकअप करके जो जा रहे हैं, तो हमें तो ये नेता का अभिनेता ज्यादा लग रहे जी। अगर कहीं जा रहे आप किसने रोका है? ये ढोल नगाड़े बजाने की जरूरत क्या है? दूसरा सवाल आपका था कि आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी ने कभी मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं की। आज जो ये गोरे गोरे लाल गाल दिख रहे हैं ये कांग्रेस की देन है, नहीं तो कहीं और फुटपाथ में पड़े होते सारे लोग, कहीं बेंजू बाजा बजा रहे होते। आज ये कांग्रेस की देन है की खुशहाली है। आज ये धारणा बन चुकी कांग्रेस को बने हुए हॉस्पिटल में पैदा होते और गाली कांग्रेस को दे रहे, कांग्रेस के बने स्कूल में पढ़ाई करते और गाली कांग्रेस को दे रहे,
ये धारणाएं बन चुकी है। मैं ये कहता हूँ भजन जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा भोजन भी जरूरी है। जब तक भोजन नहीं होगा तो भजन कहां से? तो भोजन का व्यवस्था कांग्रेस पार्टी ने करने का काम किया, और भजन नरेंद्र मोदी जी इस तरह नहीं बजाए। अब भजन बजाने से कुछ नहीं होगा, पूरी मीडिया पूरा हिंदुस्तान लग जाए। 2024 में प्रधानमंत्री जी को कोई भी सत्ता में नहीं ला सकता, ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, क्योंकि देश से 35 साल हमने भी राजनीति की है। आज बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, आज बात युवा के रोजगार की है, आज बात शमशान कब्रिस्तान की नहीं है, आज बात पीड़ित महिलाओं की है। और जो हमारे मित्र ने कहा कि ब्राह्मणों का प्रधानमंत्री है, सही कहा उन्होंने। आप बताइए किस तरीके से दलित परिवार को छांटा गया, एक राष्ट्रपति को दुर्व्यवहार किया गया उसके साथ, बताइए किस तरीके से उपराष्ट्रपति को अनादर किया गया, क्या वहां पे संविधान याद नहीं है? क्या एक एक राष्ट्रपति को संसद भवन का उद्घाटन में नामकरण में नहीं रहना चाहिए? क्या यह संविधान मेरा कहता है? और अंबेडकर की ठीक है, मुन्ना खान साहब ठीक आएंगे आपके पास, ठीक मैं भाजपा ठीक है। मुन्ना खान साहब आपने अपनी बात रखी, मैं अवधेश जी के पास चलूं तो उस पर एक टिप्पणी। अब मुन्ना खान साहब ने जो बात कही वो उसमें एक चीज आपत्तिजनक है काफी, किसी भी पार्टी को, कांग्रेस को भी नहीं और किसी भी पार्टी को ऐसा दंभपूर्ण वक्तव्य नहीं जारी करना चाहिए। इतनी हैसियत तो मैं अवकाश शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, काफी गंदा लगता मुझे, मैं हैसियत बोल दूंगा, इतनी बड़ी हैसियत तो किसी उगल मुगल आए उनकी नहीं हुई। कांग्रेस कह रही है कि हम नहीं शासन करते तो फुटपाथ पे पड़ा होता देश। आप खुदा हो, आप भगवान हो, अरे देश ने आपको जीवन दिया। जवाहरलाल को देश ने प्रधानमंत्री बनाया कि जवाहरलाल ने देश पैदा किया? इसी भाषा ने कांग्रेस को 44 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया। इंदिरा गांधी ने देश पैदा किया कि देश ने इंदिरा गांधी पैदा की? दंभ देखिए कितना विकट है, हिमालय से भी बड़ा दंभ कि हम नहीं होते तो कहीं फुटपाथ पर पड़ा होता देश। गजब कर रहे हो भाई, ये किसने सिखा दिया आपको? ऐसी भाषा तो कभी गांधी नहीं बोल सकते थे। कोई माई का लाल इतना बड़ा हो नहीं सकता जिस जो जो पैदा ना होता तो देश फुटपाथ पर खड़ा हो जाता। गजब बात है भाई, इसीलिए कांग्रेस की अवस्था है। मैं कई दिन से खोज रहा था कि अवस्था इसी की हुई, आज उसका उत्तर मिल गया। कौन वोट देगा आपको? कोई वोट नहीं देगा अगर आप ऐसी भाषा बोलोगे लगातार। आप भाजपा से लड़ेंगे, आप देश से लड़ेंगे? इतने बड़े आदमी है क्या? भाजपा से लड़िए ना, आप देश का भाग्य है क्या? अरे महाराज, आप वर्षों से सत्ता से बाहर हो, देश से, देश रोटी नहीं खा रहा, और आगे भी बाहर रहोगे तो देश भूखा मर जाएगा क्या? गजब बात, ऐसी भाषा नहीं बोलो भाई। भाजपा से लड़ो अच्छी बात है, दो दो हाथ करो, लेकिन देश के लिए ऐसा मत बोलिए, ये खराब चीज है। आज का वीडियो आप लोगों ने देखा, काफी इंटरेस्टिंग था, जो कि अमिताभ अग्निहोत्री का जो सवाल पूछने का जो तरीका है, फिर उसके बाद खुद उसका जवाब जब देते हैं तो एक अलग तरीके से लगता है कि हाँ कोई डिबेट हो रही है किसी के बीच में। तो आज इनके बीच चैनल पर बैठ करके जो लोग बैठे हुए हैं और किस तरीके से इनके मुंह उतरे हुए हैं, ये आप खुद देख सकते हैं इस वीडियो में। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।